नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये एमपीपीसीएस का जो मेंस का पेपर हो रहा है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। मेंस के पेपर में अगर आप देखें तो एमपीपीसीएस का जो सिलेबस है उस हिसाब से देखें तो चार होते हैं जीएस के पेपर, एक होता है हिंदी का पेपर और एक होता है आपका हिंदी एसे राइटिंग। ठीक है, एक जनरल हिंदी अलग है और एसे राइटिंग अलग है। तो छह पेपर होते हैं और दो जो तीन है तीन 300 नंबर के हैं, चौथा वाला 200 नंबर का होगा, जनरल हिंदी का 200 का होगा और हिंदी एसे राइटिंग का 100 का होगा। देखिए, हमने एक नया ग्रुप बनाया है, सिर्फ एमपीपीसीएस के लिए डेडिकेटेड है। इसमें आपको एमपीपीसीएस से रिलेटेड सब कुछ, जीके वीके सब कुछ मिल जाएगी इसमें। और ये इसका नाम है एमपीपीसीएस जीके ज्ञान। ये आज से मैं देखिए, अब जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस में है अब उसको एग्जाम वाइज अलग अलग कर रहे हैं, जैसे राजस्थान जीके ज्ञान अलग बना दिया, एमपीपीसीएस का अलग बना दिया, ताकि सब कुछ अलग अलग रहे। जो एमपीपीसीएस वाले लोग हैं, चाहे वो एमपीपीसीएस देना हो आपको, व्यापम देना हो, पटवारी देना हो, जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम है सबके लिए ये है। और अभी मैं लाने वाला हूं आपके लिए 2019 के लिए पूरा एमपीपीसीएस का जीके मध्य प्रदेश का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने कोशिश की थी, शुरुआत की थी, लेकिन जो हमारे साथ थे नहीं, हम लोगों के साथ हो पाया वो सब चीजें, मतलब जम नहीं पाई। तो अब चलो आगे करेंगे, एमपीपीसीएस की जीके पूरा कंप्लीट करेंगे, पेपर एनालिसिस कर लेते हैं इसमें, ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, 300 नंबर का आया था इसमें। देखिए इसमें कैसा होता है, ये है जनरल स्टडीज का पेपर नंबर वन। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि तीन टाइप के प्रश्न है इसमें। ठीक है, तीन प्रश्न है और उसमें कुछ कुछ पार्ट है। पहला वाला जो है पार्ट आपका, उसमें वन लाइनर में आंसर देने हैं, और सेकंड वाले में 100 वर्ड की लिमिट है, थर्ड वाले में 300 शब्दों की लिमिट है। करंट अफेयर्स और प्लस बाकी जो भी इसका कोर्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ मिला जुला के आया है कुल पेपर। पहला वाला पेपर का अगर देखें आप तो हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, तो इसमें कानवा डायनेस्टी के बारे में पूछा है, एक या दो लाइन में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग एक ये अभी चैनल अभी हमने चालू किया है, धीरे से हम लोग पूरा ग्रुप भी चालू करेंगे 2019 के लिए, पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करेंगे आपकी। ठीक है, फिर ये गौतमी पुत्र सता करनी के बारे में, देखिए पहले वाले में जो है आपको आपको 15 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको आंसर करना था, एक या दो लाइन में ही करना था, ये आप याद रखिएगा। और कोई इंटरनल चॉइस नहीं थी, तीन तीन नंबर के हैं, मतलब 15 × 3 = 45 ही हो गए। और ये मतलब छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन में करना था कि कैसे रहेला क्या है, रहेला आपको याद होगा बुक है ये जो इब्ने बतूता आया था, ठीक है, मोरक्को का आया था। राजकुमार शुक्ला किससे रिलेटेड है, ये चंपारण सत्याग्रह में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के कहने पे गांधी जी गए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। और फिर अगर आप देखें इसमें कि ये चौथा वाला ये है कि आपका, अच्छा ये पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये देखिए ये वही सब चीजें लिखी हुई है कि जैसा जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही। फिर जैकोबियंस कौन थे आप जानते ही हैं ये, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये सब चीजें, इरामस, मतलब छोटे छोटे बस वर्ड पूछे हैं कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इमील कौन थे, जार अलेक्जेंडर कौन थे, फिर ये उसके बाद थॉमस ब्रासे, खिरजा खान, फिर तुलुआ वंश, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये पूरा वही हिस्ट्री और इन सब चीज, रजिया बेगम कौन थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ न्योलू किससे रिलेटेड है, एक लाइन में लिखना था इसको। ठीक है, फिर बाकी जो आपके क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से आपको ये 10 प्रश्नों के आंसर देने थे, मतलब 10 इनमें से करने थे जो दिए हुए हैं जितने, और 6 नंबर का एक है, तो 60 नंबर का ये हो गया और 45 का वो था। अब इसके बारे में फिर वर्ल्ड हिस्ट्री और वो सब चीजें आई हैं यहाँ पे, आप इसको पूरा पेपर देखिएगा। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया इंग्लैंड वाला, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है बुद्धिज्म के टाइम पे, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, और इसमें 100 वर्ड में लिखना है। देखिए मेन खेल बस यहाँ पे ये है कि जो शब्द हैं वो आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी क्या थी, दीन ए इलाही किससे रिलेटेड है, नेचर क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, इकोनॉमिक ड्रेन और उसके कॉसेस क्या है, क्या होता है इकोनॉमिक ड्रेन, बिरसा मुंडा के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, ठीक है, और थोड़ा मतलब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी हम लोग जो ग्रुप में पूरा एमपीपीसीएस की जीके वीके अभी दे देंगे, मेरे पास काफी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है एमपीपीसीएस का, और उसके वीडियो भी मैं देना चालू करूंगा। ठीक है, मैं खुद बनाऊंगा उसके वीडियो, या फिर अगर आप लोगों में से कोई अगर किसी को भी कोई अच्छा टीचर जानता हो मध्य प्रदेश का और एमपीपीसीएस का हमारे साथ वो एसोसिएट होना चाहे, पेमेंट वेमेंट सब कुछ होगा उसका और पहले से अच्छा ही होगा, ठीक है, और सब कुछ रखेंगे, पूरा एमपीपीसीएस का टारगेट है मेरा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा पेपर, मैं पेपर दे दे रहा हूँ इस साल का भी और आगे का भी। देखिए ये वाला जो 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या कॉजेस थे, क्यों फेल हुआ, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आपको लास्ट में ऐसे वैसे लिखना है कि नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है, फिर भोज परमार, तो इसमें देखिए लास्ट में ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए पार्ट ये जो बी है इसमें क्या है, इसमें भी आपको वही है कि 15 लघु उत्तरी है, ठीक है,
15 के शॉर्ट शॉर्ट आंसर हैं, और फिर आपके वही रहेगा 100 वर्ड वाला लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर विंध्याचल जो माउंटेन है कौन कौन सी हिल है, पेन प्लान संप्राय भूमि क्या है, पेंडा एग्रीकल्चर से क्या मतलब है, ठीक है। 3 थर्मल पावर स्टेशन बताने थे एमपी के बारे में, नाम देना था बस, ओरिजिन प्लेस क्या है तापी रिवर का। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने इसलिए भी दिया है ये कि आप जो बाकी लोग एमपीपीसीएस का देना चाहते हैं उनको थोड़ा पता लगे कि क्या क्या आता है। पेपर इंडस्ट्री अगर आप देखें, नेपा नगर और उन सब के बारे में बताना था, ठीक है। इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी तो वो उसको बताना था, एक लाइन वाला है ये। यहाँ पे 100 100 शब्दों का है, 10 क्वेश्चन इसमें से छाटने थे। तो यही ज्योग्राफी वाला है पूरा, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, एमपीपीसीएस की जीके के बारे में, एमपी की जीके के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला हो गया कि फ्लड अफेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं, डोलोमाइट कहाँ कहाँ पे होती है, मतलब बेसिकली जो एमपी की जीके है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, सोयाबीन में तो आप जानते ही एमपी में नंबर 1 पे है एमपी, कहाँ कहाँ है वो, तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और फिर लास्ट में वही है कि 15 15 नंबर के थे, उसमें आपको 3 करने थे, और उसमें भी चॉइसेस हैं हर हर क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास बिल्कुल चॉइसेस हैं, आप कर सकते थे। तो ये सब है इसमें, पहला वाला पेपर है, दूसरा वाला भी मैं देता हूँ अभी। GS1 है, GS2, और देखिए ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एमपीपीसीएस के मेरे पास जीके वीके बहुत कुछ पढ़ा है, मटेरियल सब कुछ यहाँ पे दे दूंगा, सब फ्री है बिल्कुल। एमपीपीसीएस जीके ज्ञान है नाम इसका, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।